कमाल क्रिकेट के एक और तरोताजा एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाल फिलहाल में ना एक बार फिर से हमसे थोड़ी सी माफ़ी, थोड़ी सी गलती, यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हाल फिलहाल में थोड़ा सा पटरी पर है नहीं हम, और हमें पता है, खेद भी है उसका, और प्रयत्न भी रहेगा कि आगे हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम पर निर्धारित करके ज़रूर आपके सामने लाएं। लेकिन भैया जब आए हैं ना तो देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, खबरें बहुत तगड़ी लेकर आए हैं। और ऐसे में खबरें क्या हैं, चलिए सीधा शुरुआत करते हैं कमाल क्रिकेट के एपिसोड में। पहली खबर निकल कर सामने आ रही है, इंडिया महाराज बनाम वर्ल्ड जायंट्स के बीच आपको देखने को मिलेगा 15 सितंबर को ईडन गार्डन में मुकाबला, जो कि अब फाइनली कन्फर्म्ड हो चुका है। इंडिया 11 बनाम वर्ल्ड 11 के बीच हम सोच रहे थे कि 22 अगस्त को मुकाबला होगा, हालांकि वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब इंडिया महाराज बनाम वर्ल्ड जायंट्स के बीच मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो होंगे सौरभ गांगुली, तो वहीं पर वर्ल्ड कैप्टन होने वाले हैं ओइन मॉर्गन। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि जो इंडिया महाराज की टीम है उसमें बेसिकली जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनके बीच ये कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो जहां पर एक तरफ हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे प्रेजेंट क्रिकेटर्स खेलते हुए नजर आएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो हमारे पास्ट क्रिकेटर्स रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, वो जरूर आपको 15 सितंबर को आड़े हाथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। और बात रही यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, तो स्क्वाड ये रहा दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पर, जहां पर सौरभ गांगुली कप्तान, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, इरफान पठान, बद्रीनाथ, पार्थिव पटेल, ऐसे तमाम जैसे रिटायर्ड लीजेंडरी क्रिकेटर्स का ये पूरा स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, जो ओइन मॉर्गन की पलटन के खिलाफ भिड़ते हुए नजर आएंगे 15 सितंबर को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और फिर बात हो यहां पर तीसरी अपडेट के बारे में, तो उर्वशी और पंत के बीच अब तक जो चीजें थोड़ी सी मजाकिया तौर पर थी, ईमानदारी से बताऊं, अब वो थोड़ा सा खराब एंगल लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उर्वशी ने जिस तरीके से इस बार पंत को रिप्लाई किया है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें अब काफी बुरा शेप लेती हुई नजर आ रही है। जिसको अभी तक हम फनी बैंटर के तौर पर कंसिडर कर रहे थे, थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट, क्योंकि आप लोग को पता है, मैंने कल शॉर्ट्स में बताया था कि जिस तरीके से उर्वशी ने एक बार फिर से इस पूरी स्टोरी में चिंगारी डालने का प्रयास किया था, ऋषभ पंत ने उसका जवाब दिया था। अब ऋषभ पंत के जवाब के बाद भाई उर्वशी भी कैसे पीछे रहती, तो उन्होंने भी जवाब में बोल दिया कि भैया यहां पर आप बैट बॉल खेलें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मैं आपकी वजह से बदनाम नहीं हो सकती हूं। एंड द मोस्ट वर्स्ट पार्ट अबाउट दैट, जो आप कंसीडर करोगे कि भाई साहब 3-4 साल पहले की बात है, जब यहां पर रिलेशनशिप और पता नहीं क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही थी, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से 3-4 साल बाद आज की परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को भैया एंड बहन बुलाने पर आ गए हैं। सो वी हैव डेफिनेटली कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। खैर भैया इसमें अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि रायता तो पूरी तरीके से यहाँ पर फैल चुका है। देखते हैं कि क्या इसके बाद पंत साहब कुछ रिप्लाई करेंगे, पर उम्मीद है कि रिप्लाई ना ही करें और मामला यहीं पर रफा दफा रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे क्रिकेटर्स के लिए, और स्पेशली जब हम एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स में जा रहे हैं। एंड इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आई विराट कोहली को लेकर। जी हाँ, एशिया कप 2022 के लिए विराट कोहली ने अपनी ट्रेनिंग ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही स्टार्ट की है, लेकिन कल उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने बोला कि भाई साहब पूरी तरीके से तैयारियों में मैं जुट चुका हूं। और इसके बाद दोस्तों मुंबई इंडियंस ने, आपको पता है, फिर चाहे वो एमआई केप टाउन हो, चाहे एमआई इमिरेट्स हो, ये बड़े-बड़े खिलाड़ियों को लगातार साइन कर रहे हैं। केप टाउन पर कल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, बताया था कि किस तरीके से इस टीम ने कगिजो रबाडा, लियाम लिविंगस्टन, राशिद खान जैसे चैंपियन प्लेयर्स को साइन किया है, तो वहीं पर एमआई इमिरेट्स के लिए भी इस टीम ने विल स्मिड को साइन कर लिया है यूएई टी20 लीग में। और विल स्मिड बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हाल फिलहाल में शतक जड़कर आ रहे हैं, ही इज अ यंग गन, फैंटास्टिक प्लेयर, और जो काम एमआई कर रही है ना भाई, मैं इनको देख रहा हूं और सिर्फ इनको जो है इनकी सराहना कर रहा हूं कि गजब रिक्रूटमेंट है। मतलब इनकी जो वो कहते नहीं, जो स्काउट है वो क्या गजब के चुन चुन के प्लेयर्स ला रहे हैं। फिर पहले उन्होंने एमआई के लिए मतलब मुंबई इंडियंस हमारे यहां, पहले समझने की कोशिश करो, तो इतनी टीम्स हो गई है कि आप कंफ्यूज ही रहोगे और मैं भी बताते हुए कंफ्यूज ही रहूंगा, लेकिन एमआई जो हमारे भारत वाली है, पहले जो है जब ये लेकर आए ना साउथ अफ्रीका से यंग गन सुपरस्टार्स, तब भी हमने देखा, हमने बस वाह वाह किया कि गजब की टीम है। और उसके बाद अब केप टाउन उठाकर देख लो, इमिरेट्स में उठाकर देख लो, भाई साहब मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। खैर इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आई है कि जैसा पता है कि सीएसके के लिए जोहानसबर्ग फ्रेंचाइज में फाफ डुप्लेसिस खेलते हुए नजर आएंगे, एंड ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो नेतृत्व करते हुए भी नजर आएंगे
आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्क्वाड के बारे में। एशिया कप स्क्वाड को लेकर लगातार देरी हो रही है, उनको 11 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद भी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि आज या फिर मोस्ट प्रोबेबली कल आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्क्वाड अनाउंस करता हुआ नजर आएगा। शाकिब अल हसन को लेकर इश्यूज थे, जो इश्यूज अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आई है शुभमन गिल को लेकर। शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बोला कि देखिए, अगर मुझे लगातार अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मैं कहीं ना कहीं अपना मार्क जरूर क्रिएट करूंगा, मैं अपने आप को बैक करता हूं, 100% एफर्ट देता हूं, और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं कि अपने एफर्ट से मैं अपनी जगह टीम इंडिया में पुख्ता कर लूं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, अर्जुन तेंदुलकर गोवा के लिए 2022-23 का डोमेस्टिक सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मुंबई से अपने संबंध कहीं ना कहीं समाप्त कर दिए हैं, उनको NOC दे दिया गया है एंड अब वो आपको गोवा के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, लेकिन बड़ी खास अपडेट, एशिया कप 2022 को लेकर बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी के अवेलेबिलिटी पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि वो हमारे साथ नीदरलैंड इसलिए जा रहे हैं ताकि टीम की जो मतलब बेसिकली मेडिकल टीम है वो उनके साथ रह सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक खेल तो वो नीदरलैंड में एक गेम खेलते हुए नजर आ ही जाएं एशिया कप में जाने से पहले, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एशिया कप में उम्मीदें हैं उनके फिट होने की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाबर आजम अभी भी शाहीन शाह अफरीदी उनके सबसे बड़े हथियार के थोड़े से अवेलेबिलिटी कंसर्न से जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या ये इंडियन टीम के लिए फायदा हो सकता है, वेल खैर ये तो हम 28 अगस्त को ही प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये थी कुछ आज बहुत ही बेहद खास खबरें। अब बात कर लेते हैं स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों ब्रावो, डीजे ब्रावो 600 T20 विकेट्स लेने वाले पूरे क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, डीजे ब्रावो ने हाल फिलहाल में एक कीर्तिमान द 100 लीग में प्राप्त किया जब उन्होंने 600 T20 विकेट्स प्राप्त कर ली हैं। इसके बाद दोस्तों जो मेरा सवाल रहेगा वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा ऋषभ एंड उर्वशी के ही एंगल पर रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये हो रहा है, मतलब ये क्या रायता फैला रहे हैं, ये दोनों इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स हैं अपनी अपनी फील्ड के एंड बच्चों के जैसे बेसिकली दोनों इंस्टाग्राम फाइट, सोशल मीडिया फाइट कर रहे हैं, इस पर आपका ओपिनियन क्या है? क्या नहीं लगता कि अब ये चीज़ें थोड़ा सा ओवर जा रही हैं या फिर मज़ा आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? कह रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।